बस कुछ ही दिन की बात है जब आपकी तरह मेरी भी होगी राम लल्ला से मुलाकात। अभी को हमारे सबके राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। सबसे पहली बधाई मैं प्रधानमंत्री साहब को देना चाहता हूँ और फिर आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं NMF न्यूज, आपके साथ मैं हूँ नम्रता। 22 जनवरी नजदीक है और इसकी तैयारियां पूरे देश में देखी जा रही हैं। अयोध्या को तो छावनी में तब्दील कर दिया गया है, चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है, CRPF के जवान तैनात हैं और तमाम सिक्योरिटी एजेंसियां भी इस वक्त अलर्ट पर हैं। इन सब के बीच हर एक देशवासी में उत्साह देखा जा रहा है। इस पूरे मुद्दे को लेकर राजनीति भी हो रही है, लेकिन इन सब के बीच आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हरभजन सिंह का एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जो उन्होंने राम मंदिर को लेकर दिया है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर दिया है। हरभजन सिंह का यह बयान हर उस विपक्षी दल के मुंह पर करारा तमाचा है जो फिलहाल इस समारोह से दूरी बना रहे हैं, फिर चाहे वो केजरीवाल की आम आदमी पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो या फिर समाजवादी पार्टी। दरअसल हरभजन सिंह आप जानते ही हैं, राज्यसभा सांसद हैं आम आदमी पार्टी के, और उन्होंने एक बयान अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया है। लगभग एक मिनट के आसपास का ये वीडियो है जिसमें वो राम मंदिर को लेकर अपनी एक्साइटमेंट जाहिर कर रही हैं, इसके अलावा अपनी आस्था का बखान कर रही हैं और इसी के साथ साथ नरेंद्र मोदी को बधाई देते हुए उनकी तारीफ भी कर रही हैं। हरभजन सिंह का ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें लोग कह रहे हैं कि बाकी सारे नेता एक तरफ और कुछ एक नेताओं ने अपनी छवि को साफ सुथरा रखने के लिए इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। मसलन आप देख लीजिए, कांग्रेस में भी ऐसे कई नेता हैं जो राम मंदिर पर खुलकर बोल रहे हैं, फिर चाहे वो आचार्य प्रमोद ही क्यों ना हो। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस आला कमान है जो फिलहाल इस समारोह से दूरी बना रहा है। कुछ ऐसा ही आम आदमी पार्टी के साथ भी है और कुछ ऐसा ही समाजवादी पार्टी के साथ भी है। अब सपा का ही अगर मैं उदाहरण लूं तो उनके विधायक कह रहे हैं कि हमें निमंत्रण मिलना चाहिए और दूसरी तरफ जिन अखिलेश यादव को निमंत्रण मिला है वो जा नहीं रहे हैं। बहरहाल इन सबके बीच अब बात अगर हरभजन सिंह की करें तो देखिए किस तरीके से मोदी की तारीफ करते हुए नजर आए और राम मंदिर पर क्या कुछ कहा, सुन लीजिए। बस कुछ ही दिन की बात है जब आपकी तरह मेरी भी होगी राम लल्ला से मुलाकात, वो भी साक्षात। जी हाँ, हम सब भारतवासियों के लिए ये एक बहुत बड़ा दिन है। सभी राम भक्तों को सबसे पहले तो मेरा बहुत बहुत प्रणाम। 22 जनवरी को हमारे सबके राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। आपकी तरह मैं भी 22 जनवरी का इंतज़ार कर रहा हूँ। ये एक ऐतिहासिक दिन है, पूरे विश्व का सपना पूरा होने जा रहा है, पूरे भारतवासियों में जो है वो खुशी की लहर है। सबसे पहली बधाई मैं प्रधानमंत्री साहब को देना चाहता हूँ और फिर आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद, क्योंकि ये एक ऐसा मंदिर बनने जा रहा है, एक ऐसा ऐतिहासिक स्थान बनने जा रहा है कि जहाँ पर बहुत सारे लोग आएंगे और राम भूमि में राम मंदिर के दर्शन करके अपने आप को निहाल करेंगे। एक बार फिर मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत प्यार, और भगवान राम हम सब पे कृपा बनाए रखें। जय श्री राम, आप सबको बहुत बहुत साधक प्रणाम।